हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, जिसमें 18 सीरीज तक हम बहुत सारे प्रश्न जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीरीज़ में बात करेंगे कुछ और प्रश्नों की, साथ ही उनके अच्छे अच्छे आंसर्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो ये है, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाले कारक। आज जितने भी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो पेपर थर्ड से रिलेटेड व्यवहार बिहेवियर का जो हमारा सेक्शन है वहाँ से होंगे, जिसमें कि 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आंसर बनते हैं, या तो 20 वर्ड्स में बनते हैं या फिर 50 वर्ड्स में। 2 नंबर या 5 नंबर में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पेपर थर्ड में जो यूनिट है सकारात्मक स्वास्थ्य का बिहेवियर। तो प्रश्न हमारा, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने वाले कारक बताइए। आंसर को किस तरह से लिखेंगे, ऐसे कैसे टॉपिक दिया हुआ है सकारात्मक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन, उसी से उठाकर दे दिया गया है कि उसको प्रोत्साहन देने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए। तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। तो फर्स्ट तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, दूसरा है जीवन कौशल। तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। 3 गुण में क्या क्या है, प्रतिबद्धता, चुनौती स्वीकार करना और नियंत्रण, यानी किसी काम को लेकर प्रतिबद्ध होना, चुनौती स्वीकार करना, अगर कोई चुनौती दे रहा है तो उसको स्वीकार करना, साथ ही अपनी भावनाओं संयम जो है सभी पर नियंत्रण स्थापित करना, इस तरह से ये हो गया। दूसरा है जीवन कौशल। जीवन कौशल में क्या होगा, अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाती है, वही जीवन कौशल होता है। तीसरा है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, कि आपने जो काम लिया है उसको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करना, जितने समय में आपने अगर उसको टारगेट किया है उसमें उसको बोला जाएगा समय प्रबंधन। ऐसे नहीं कि आपने काम तो कर दिया है लेकिन बहुत ज़्यादा समय लेकर करा है तो कोई मतलब वाली बात नहीं, जब टाइम ही गुजर जाएगा तो आपके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है स्वविवेक चिंतन। चिंतन भी कैसा होना चाहिए, स्वविवेक, खुद के विवेक से कार्य करने वाला। संबंधों में सुधार, जितने भी हमारे रिलेशन है वो भी क्या हो, सुधारात्मक हो। स्वयं की देखभाल करना, ऐसा नहीं कि आप दूसरों की देखभाल करते करते खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मतलब स्वयं को, खुद को भी टाइम देना, खुद को मी टाइम देना, खुद की देखभाल करना। ऐसा एक आदतों पर विजय पाना, ऐसा एक आदतें यानी जो खराब आदतें हैं उन पर विजय पाना, हमें पता होना चाहिए कि ये बुरी आदत है ये अच्छी आदत है, तो ऐसा एक जितनी भी आदतें होती हैं उन पर हम विजय पाएँ, यही सब सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा अन्य जो कारक हो सकते हैं वो हो सकते हैं संतुलित भोजन, यस पोषण युक्त भोजन, वो व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, सकारात्मक अभिवृत्ति व चिंतन। हमेशा ऐसा नहीं कि नेगेटिव चीज़ें सोचनी है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। अगर आपके सामने कोई मुसीबत आ भी गई तो उसको सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक अभिवृत्ति की सोच के साथ उसको सॉल्यूशन करना है, यही जो है वो सकारात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित भी करेगा। सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग, सामाजिक अवलंबन यानी समाज में रहते हुए सामाजिक सहयोग, अगर आप किसी काम को समाज के सहयोग से कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। सामाजिक अवलंब होना, तो ये सभी जो है वो तनाव को रोकने के लिए काम करते हैं, जिससे सकारात्मक स्वास्थ्य जो है वो प्रोत्साहित होता है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये 50 वर्ड्स में जो है मैंने डिस्कस करा है, 20 वर्ड्स में भी आंसर बन सकता है, तो आप बस शॉर्ट शॉर्ट में लिखकर आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक बुद्धि क्या है। सारे प्रश्न व्यवहार जो पेपर थर्ड है उसमें बिहेवियर वहां से लिए गए हैं। व्यक्ति की सीखने, याद करने, तर्क करने, समस्याओं को हल करने, विभेदन, तार्किक निर्णय और प्रभावी संप्रेषण की योग्यता ही संज्ञानात्मक बुद्धि है। संज्ञानात्मक बुद्धि बिल्कुल 20 वर्ड्स में बन सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। तो व्यक्ति को सीखने के लिए, याद करने के लिए, तर्क देने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए, साथ में विभेदन करने के लिए, तार्किक निर्णय लेने के लिए, प्रभावी संप्रेषण कम्युनिकेशन करने के लिए भी की योग्यता ही क्या है, संज्ञानात्मक बुद्धि, कि क्या करना है, क्या सीखना है, क्या चीज़ें याद करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या तर्क करने हैं, ठीक है, समस्याओं को किस तरह से हल करना है, साथ में समस्याओं में या किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, तार्किक रूप से निर्णय कैसे लिया जाना है, प्रभावी कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सारे ही संज्ञानात्मक बुद्धि के पार्ट हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर हम बात करते हैं, पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैके ने व्यक्तित्व के कितने कारक बताए हैं। ये भी 20 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि दो ही कैटेगरी है यहाँ पर, 100 वर्ड्स की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैके ने व्यक्तित्व के कितने कारक बताए हैं। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैके ने व्यक्तित्व के 5 कारक बताए हैं, और उसको हम ओशियन की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तित्व के 5 कारक, खुलापन, ओपननेस हो गई खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा,
बहिर्मुखता, सहमति जन्यता, तंत्रिका तापी। व्यक्तित्व के कारक इस तरह से आप डायग्राम बनाकर भी कर सकते हैं। व्यक्तित्व के कारक कौन कौन से हुआ, खुलापन ओपन, कर्तव्य निष्ठा, बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्ट, सहमति जन्यता, उसके अलावा तंत्रिका तापी। इसको आप ओशन की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा केवल अभिप्रेरणा में लिखा सकता है, इसके अलावा अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, ऐसे भी ये पूछा जा सकता है 20 वर्ड्स या फिर 50 वर्ड्स में। लेकिन केवल 20 वर्ड्स में तो केवल डेफिनेशन पूछेगा, इसके अलावा अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है ये पूछ सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है वो प्रशासन में किस तरह से सहायक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अभी इस प्रश्न में हम बात कर रहे हैं केवल परिभाषा की, आगे और भी प्रश्न बनाएंगे जिसमें हम अभिप्रेरणा के जो प्रशासन में उपयोग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आंसर देखते हैं, आंतरिक शक्ति के कारण विशेष लक्ष्य की ओर किए गए निरंतर प्रयास को अभिप्रेरणा कहा जाता है। आंतरिक शक्ति एक इंटरनल मोटिवेशन या फिर इंटरनल जो पावर होती है उसके थ्रू जब हम किसी लक्ष्य की ओर इंगित होते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिप्रेरणा। यह व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। अगर अभिव्यक्ति में अभिप्रेरणा ना हो तो वो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर इंगित ही नहीं होगा, लक्ष्य प्राप्ति में करेगा ही नहीं, वो जैसा है, जैसी सिचुएशन है उसमें वैसा ही रहेगा, कभी भी अपने लक्ष्य नहीं बनाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य भी नहीं करेगा। तो एक आंतरिक शक्ति के कारण विशेष लक्ष्य की प्राप्ति की ओर किए गए निरंतर प्रयास को ही हम अभिप्रेरणा बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतिबल से क्या तात्पर्य है। प्रतिबल यानी तनाव, टेंशन, जिसको हम प्रतिबल बोलेंगे, तो उससे क्या तात्पर्य है, ये भी 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। उत्तर ऐसे ऐसे लिखेंगे हम, प्रतिबल तनाव एक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा चुनौती का सामना करने, किसी न किसी रूप में परिवर्तन होने, क्षमता से अधिक समय होने अथवा संतुलन में होने की स्थिति में की जाती है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो क्या हो गया, प्रतिबल या तनाव क्या है, एक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा चुनौती का सामना करने के लिए, किसी न किसी रूप में परिवर्तन होने के लिए, क्षमता से अधिक ठीक है कार्य करने के लिए तथा संतुलन में होने की स्थिति में किया जाता है प्रतिबल का प्रयोग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रैंकफर्ट लॉकहार्ट का स्मृति मॉडल क्या है, या फ्रैंकफर्ट व लॉकहार्ट के स्मृति मॉडल को समझाइए। ये 50 वर्ड्स में बन सकता है प्रश्न, फ्रैंक व लॉकहार्ट का स्मृति मॉडल। ओके, तो स्मृति मॉडल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाकर लिख सकते हैं, जिससे मार्क्स जो है वो अच्छे मिलेंगे, साथ में एग्जामिनर को समझने में भी सही रहता है। स्मृति का मॉडल उथला प्रसंस्करण और गहन प्रसंस्करण, दो मॉडल है, उथला और गहन। उथले में क्या होगा, विषय वस्तु के बारे में सतही जानकारी होती है, केवल ऊपरी ज्ञान। स्मृति के मॉडल में जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो उसका ऊपरी ज्ञान था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, मतलब ऊपरी ज्ञान उसका ले लिया। जबकि गहन में क्या होता है, विषय वस्तु के बारे में गहन एवं अर्थपूर्ण जानकारी, हम उसके अंदर डीप घुसते हैं, प्लस में अर्थ और भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका भी अर्थ जानते हैं, प्लस में एक एक लाइन का अर्थ हम जानते हैं, तो उसको हम गहन प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे गहन प्रसंस्करण होता जाएगा वैसे वैसे सूचना क्षमता बढ़ती जाएगी। अब इसमें बोल रहे हैं कि जैसे जैसे गहन प्रसंस्करण होगा, यानी हम विषय वस्तु के बारे में गहन व अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे सूचना की क्षमता, सूचना और ग्रैप्स करने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो आज हमने इतने प्रश्न डिस्कस करे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इसके अलावा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको आज के प्रश्न कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।